ज़मीनें शक्ल बदलती हैं और ज़मानों का सफ़र जारी रहता है। ज़मीनों और ज़मानों के इश्क की नर्म आगोश में तहजीबें परवान चढ़ती हैं। उर्दू की गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान के रगो रेशे में पैवस्त है। उर्दू कल्चर, मुस्लिम मुआशरा और हमारी फिल्मों के दरमियान जो अटूट रिश्ता रहा है, उस पर इजहार ख्याल के लिए एक दो नहीं बल्कि चार अजीम हस्तियां आज हमारे साथ जश्न-ए-रेख्ता के स्टेज पर जलवा फरोज हैं। वहीदा रहमान साहिबा एक ऐसी अदाकारा जिनके ऊपर न सिर्फ ये गाना फिल्माया गया बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि ये गाना ही उनके लिए बना था। चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। गाइड, सीआईडी, प्यासा और न जाने ऐसे कितने ही बेशकीमती नगीने हैं जो उनकी बेमिसाल अदाकारी की तस्दीक करते हैं। आप हिंदुस्तानी सिनेमा के सुनहरी दौर की नुमाइंदगी करती हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण शबाना आजमी साहिबा एक ऐसी अदाकारा हैं जिनको अपनी पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। आपने पैरेलल और कमर्शियल सिनेमा के बीच एक पुल का काम किया। शबाना आजमी साहिबा को उनकी बेमिसाल अदाकारी के लिए बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। पद्मश्री मुजफ्फर अली साहब, उनके लिए मैं क्या कहूँ, उन्होंने हमें उमराव जान दे दी, अब क्या मांगेंगे उनसे। उमराव जान और गगन के अलावा फैशन डिज़ाइनर और सोशल वर्कर की हैसियत से भी आप कम मशहूर नहीं हैं। फ़िरका वराना हमांगी और अम के लिए आपकी काविशों के एतराफ़ में राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड से भी आपको नवाजा जा चुका है। इरा भास्कर साहिबा जेएनयू में प्रोफेसर ऑफ सिनेमा स्टडीज़ और डीन ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स हैं और उर्दू कल्चर पर आपने काबिल क़द्र काम किया है और अब इस महफिल की कमान मैं सौंपना चाहूँगी इरा भास्कर साहिबा को आपके सुपुर्द। शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मैं शुरू करूँगी, इंट्रोडक्शंस तो हो चुके हैं, मैं शुरू करूँगी वहीदा जी से। और वहीदा जी के बहुत बहुत सारी फिल्में जो हैं वो हमें बहुत यादगार फिल्में हैं और चौदहवीं का चांद का जिक्र तो ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं ये पूछूँगी उनसे कि चौदहवीं का चांद में काम करते हुए उस वक्त जब ये गाना फिल्माया जा रहा था उन पर, और उसके एक्सपीरियंस के बारे, उस अनुभव के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो बोलिए। जब वो गाना पिक्चराइज किया गया और पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट में बनी थी और फिर उस वक्त कलर का ये शुरू हो चुके थे, फिल्में बनने लगी थी कलर में, तो पिक्चर बहुत कामयाब हुई तो उन्होंने सोचा कि कलर का वक्त शुरू हो गया है तो ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ है टाइटल सॉन्ग, तो उसको दोबारा कलर में फिल्माएंगे, फिर से लगाएंगे तो और पब्लिक फिर से दोबारा देखेगी। तो उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, जब वो दोबारा कलर में फिल्माया गया तो उस वक्त बहुत लाइट्स बहुत बड़ी और बहुत ये होती थी, तेज़ आंखें जल जाती थी, तो हर वक्त शॉट से पहले बर्फ़ लगाना पड़ता था आंखों पे, तो फिर उसको दोबारा फिर से सेंसर करना पड़ा गाने को। तो सेंसर बोर्ड ने कहा कि दो शॉट हैं वहीदा के, उसको काट दीजिए, और मैं अकेली थी शॉट में। तो गुरुदत्त ने पूछा किस लिए, ये तो अकेली हैं, इसमें क्या ख़राबी क्या है, आप क्या देख रहे हैं, और जो ब्लैक एंड वाइट में मैंने शॉट लिया है ठू बबू वही लिया है, कुछ मैंने नया कुछ जोड़ा नहीं है। नहीं, इसमें वहीदा की आंखें बहुत लाल हैं। तो बोले जी वो लाइट इतनी तेज़ होती है तो बेचारी वो हर टेक से पहले बर्फ़ लगाती है आँखों में, तो लाल है तो इसमें ख़राबी क्या है। तो दो चार मेंबर्स सेंसर बोर्ड के, उन्होंने कहा कि वो लाली आँखों में देखने से ऐसा लगता है इट इज़ वेरी सेक्सी एंड वेरी सेंशुअल। कैन यू बिलीव दैट। तो बोले इसके लिए मैं काट दूँ, मगर देखिए ये मियाँ बीवी का सीन है और हस्बैंड है साथ में, इसमें क्या बुरी बात है।
नहीं नहीं इट्स वेरी नो नो प्लीज़ आप काट दीजिए. तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ ये हुआ, दो शॉट के बजाय एक शॉट काटा गया. मैंने अभी सोचती हूँ अगर आजकल के ज़माने के वो मेंबर्स हो तो ये आजकल की पिक्चर देख कर वो तो बेहोश हो जाएंगे. थैंक यू. एक्चुअली हम एक एक करके बात करेंगे और दोबारा फिर से वहीदा जी के पास में आऊँगी. मुजफ्फर साहब से बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि उर्दू जो है वो बॉम्बे सिनेमा की जान है एक्चुअली. और उर्दू एक पॉपुलर हिंदुस्तानी जो हमारी भाषा है जिसको पॉपुलराइज करने में बॉम्बे सिनेमा का बहुत बड़ा रोल रहा है. और अगर हम कहें कि हिंदी सिनेमा ऑफ बॉम्बे, इट्स नॉट करेक्ट एक्चुअली, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है बॉम्बे सिनेमा की, एंड आई एम सेइंग बॉम्बे सिनेमा बिफोर बॉलीवुड, बिकॉज अभी तो बहुत सारी ज़बानें आ गई हैं. पंजाबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज सिनेमा. बट बिफोर 1990 की जो अगर हम सिनेमा को हम देखें, फिल्मों को देखें, तो वो डोमिनेंटली हिंदुस्तानी लैंग्वेज में है. उर्दू का बहुत बड़ा रोल रहा है और बॉम्बे सिनेमा का बहुत बड़ा रोल रहा है इसे जीवित रखने में और इसे पॉपुलर करने में. मुस्लिम सोशल इज़ वन ऑफ द जॉनर्स ऑफ बॉम्बे सिनेमा. 1940 में इसकी शुरुआत हुई थी और 60 तक ये बहुत बहुत बड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट जॉनर रहा है. ए लिस्ट फिल्में बनी हैं इस जॉनर में. वहीदा जी तो थी ही और जितने लीडिंग एक्टर्स थे इन फिल्मों में उनका बहुत बहुत अहम रोल रहा है. मुस्लिम सोशल के साथ साथ कोर्टिजान फिल्म, हिस्टोरिकल फिल्म, ये सारी फिल्में भी उर्दू के कल्चर्स, लिंग्विस्टिक कल्चर्स को, लैंग्वेजेस को बहुत पॉपुलर किए हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट लिंग्विस्टिक कल्चर्स, हमें सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, शायरी ही नहीं, पोइट्री ही नहीं, हम परफॉर्मेटिव कल्चर्स के बारे में भी हमें सोचना चाहिए. तो जैसे कि शायरी के साथ गज़ल और कव्वाली और भी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत बहुत अहम रहे हैं और इन फिल्मों में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है. इसी संदर्भ में मैं मुजफ्फर जी से उनकी फिल्म उमराव जान के बारे में बात करना चाहूँगी. तो आप हमें बताइए, उमराव जान जो एक कोर्टिजान फिल्म है, बहुत बड़ी तवायफ के लाइफ पे बेस्ड है, उसके इतना खूबसूरत रूप आपने उमराव जान फिल्म में दिया, उसके बारे में बताइए आप हमें, और उसके म्यूज़िक के बारे में और शायरी के बारे में भी. आपने तो बड़ा लंबा नुस्खा बता दिया मुझे. तो इंट्रोडक्शन ही किया है भूमिका. दुनिया सुने तो किस्सा गम है बहुत तवील, हाँ तुम सुनो तो किस्सा गम मुख्तसर भी है. तो सारा खेल जैसे वहीदा साहिबा ने बताया उसे एक आँख के शॉट में था, वही उमराव जान की आँखें हैं जो मुझे ढूंढने में वक्त लगा. और मुझे लगा इन आँखों में एक ऐसी मस्ती है जो आपको मिलती नहीं, और वो भी ऐसी मस्ती के जिसमें ताकत भी है और गिर के संभलने वाली मस्ती. एक इसी सिलसिले में एक बात और कहूँगा कि मैंने उर्दू का इस्तेमाल फिल्मों में करना सीखा सत्यजीत रे से, कलकत्ते से. क्योंकि अब तक जब तक मैंने फिल्में नहीं बनाई, पहली फिल्म मेरी गमन थी जिसको जिसमें उर्दू का इस्तेमाल है. उर्दू की शायरी को मैंने आज की के मसाइल से, आज के मतलब हंगामे से जोड़ा है. तो उर्दू को एज अपनी ज़बान बॉम्बे में हमें नज़र नहीं आई. जो रेर इस्तेमाल करते थे बंगाली अपनी ज़बान और अपने कल्चर को दुनिया के आगे रखने के लिए, तो मेरे सामने ये सवाल उठता था कि क्या हम उर्दू के साथ कुछ इस किस्म का काम नहीं कर सकते हैं कि उर्दू की अदब, उर्दू का अदब, उर्दू की शायरी एक ऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड तरीके से आवाम के सामने रखी जाए. तो ये मैंने वहाँ से सीखा. और दूसरा मैंने अलीगढ़ जा के सीखा, क्योंकि जब मैं अलीगढ़ गया तो मुझे लगा कि सारा दर्द जो दुनिया का है और माशरे का है और हिंदुस्तान का है वो वहाँ की शायरी में मौजूद है. और ये मुझे बहुत बड़ा, ये एक बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ी दरसगाह थी अलीगढ़. जो शख्स अलीगढ़ गया नहीं है वो समझ नहीं सकता है. आज जो तालियां बज रही हैं वो शायद अलीगढ़ की तालियां हैं.
तो अलीगढ़ ने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है उर्दू के माध्यम से कि जो मैंने गमन में इस्तेमाल किया, सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो ये सारी दुनिया का दर्द एक बम्बई के टैक्सी ड्राइवर में मिलता है, बल्कि मेरे जो सबसे बड़े मतलब मैं जिनको बहुत बड़ा मानता था, राही मासूमता शहरिया तो खैर थे ही, उनको मैंने अंजुमन में उनसे डायलॉग लिखाए थे और उन्होंने जिस तरीके से उर्दू को इस्तेमाल किया है उर्दू की सरजमीन पे, वो मतलब एक इट्स अ माइलस्टोन। लेकिन जब उन्होंने गमन देखी तो उन्होंने कहा, मुझे भी लगा कि मैं बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री में आके गुलाम हसन को, हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट था, उसको देख के कहा कि बम्बई में मैं, मुझे लगा कि मैं भी अपनी कलम की टैक्सी चला रहा हूँ। तो सवाल ये है कि बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहाँ पर उर्दू का एक बहुत बड़ा मरकज़ रहा है, उर्दू का एक एहसास पैदा हुआ है और हमें इतने मतलब ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए कि इस वक्त उनका जिक्र करने का अभी कोई मौका नहीं है। लेकिन उमरावजान के ज़रिए से मैंने जो उर्दू को पेश किया, उमरावजान की अपनी गज़लें भी थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक स्क्रीन प्ले लिखा जाए गज़ल में। तो उमरावजान वॉज अ स्क्रीन प्ले इन गज़ल, और मैंने शहरियार को अपने साथ ला के रखा 1.5 साल तक, क्योंकि हर आदमी का काम नहीं था उसका स्क्रीन प्ले गज़ल के फॉर्म में लिखना, कि वो एक लड़की का ग्राफ है, उसकी ट्रेजिक्टरी है कि वो शुरू होते हैं एक ऑप्टिमिज्म के साथ, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, या कहिए तो आसमां को ज़मीन पर उतारना है, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो ये उसके अंदर का एक ऑप्टिमिज्म था जो एक जवान लड़की में होता है, जो एक उसके जो जवान खून में वलवला होता है, तो वो चीज़ उसमें थी। उसके बाद ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, या इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, और फिर जस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने इस बहाने से, मगर देख ली दुनिया हमने, और फाइनली जब वो आके खड़ी होती है अपने घर के सामने, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। तो दीज आर माइलस्टोन्स ऑफ अ स्क्रीन प्ले, एंड दिस इज़ व्हाट अलीगढ़ गेव मी, एंड दिस इज़ व्हाट आई कुड रिटर्न टू उर्दू, एंड आई वॉज़ वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विद खय्याम साहब, क्योंकि एक हमारी एक वो बन गई थी एक मंडली, और करीब में रहते थे, शहरियार तो घर ही पर रहते थे हमारे जूरू में, खय्याम साहब सामने रहते थे, तो हम लोग रोज़ शाम को, अब वो शामें कैसी होंगी आप सोच सकते हैं, शाम शहरियारा और महफिल खय्याम, और उसके अंदर से जो अदब पैदा हुआ शायरी का, और एक एक रक्स व मूसीकी का एक वो पैदा हुआ, तो वो एक हमारी लखनऊ के लिए उर्दू अदब के लिए खराज अकीदत थी जो शायद अब भी कायम है। सिर्फ उमराव जान में ही नहीं, लेकिन आपकी एक मुस्लिम सोशल फिल्म है जो आप दोनों को जोड़ती भी है, आपको भी और शबाना जी को भी, अंजुमन। इस सिचुएशन के लिए, इस वक्त के लिए मैं आपसे अंजुमन से शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि अंजुमन और मुजफ्फर अली से आपको जोड़ता भी है, और वो फिल्म ऐसी फिल्म है जिसमें आपका जो किरदार है, अंजुमन का किरदार है, वो बहुत कुछ आपके लाइफ के सोशल एक्टिविज़्म को लेके भी वो किरदार बहुत इलस्ट्रेटिव है, तो आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए। शुक्रिया हीरा। सबसे पहले तो जो मौजू है वो मौजू है उर्दू कल्चर इन मुस्लिम सोशल, तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमको क्लियर कर लेना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आपने जो है अंजुमन का नाम लिया, बिकॉज अंजुमन इज़ द एक्सेप्शन रादर देन द रूल। मेरा ये मानना है कि 70s तक जो फिल्में बनी थी, पुकार से लेकर अब तक, तब तक उसमें जो ज़बान लिखी जाती थी वो हिंदुस्तानी ज़बान थी। उस हिंदुस्तानी ज़बान में उर्दू के बहुत सारे लफ्ज़ होते थे, क्योंकि जितने भी राइटर्स थे वो सब उर्दू स्पीकिंग राइटर्स थे। उनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उनका जो है नॉर्थ इंडिया से ताल्लुक़ था, और इसलिए वो ज़बान वो लिखते थे। लेकिन जो मुस्लिम सोशल है, मुझे लगता है कि उसने बहुत डिससर्विस किया है, क्योंकि मुस्लिम सोशल जिस तरह से हमने हिंदी सिनेमा में देखा है,
वो जो है एक कॉन्स्ट्रक्ट है, वो एक बनाया हुआ कल्चर है जो कि आम कल्चर से मुख्तलिफ है। अगर आप मुस्लिम सोशल देखें तो आपको ये लगेगा कि हर मुसलमान ईद की टोपी पहन के झुक कर आदाब करके और एक कोई ऐसी ज़बान बोलता है जो कि सिर्फ शायरी उनके मुंह से बरकती है। अब मैं जो है, मेरी पैदाइश है हैदराबाद की, लखनऊ में रही हूँ, आज़मगढ़ में रही हूँ, मेरी मियाँ भोपाल के, मैंने तो कभी उस तरह के अल्फाज एक दूसरे से बोलते हुए नहीं सुने जो कि हिंदी सिनेमा में आपको नज़र आता है। तो इन अ सेंस मुस्लिम सोशल जो है कोई कॉन्स्ट्रक्ट है, जैसे कि हॉलीवुड में काउबॉय फिल्म्स हैं। अब जो काउबॉय फिल्म्स हैं उनमें एक्चुअली ये कौन लोग थे? ये लोग जो हैं काउहर्ड्स थे जो कि गाय पालते थे, और क्योंकि वो बहुत बड़े वास्ट लैंड्स में रहते थे तो उनको ज़रूरत पड़ती थी गन्स की वगैरह की। अब हॉलीवुड ने उसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके उसको जो है बूट्स डाल के जिस तरह के काउबॉयज हमने देखे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम सोशल भी उसी तरह की चीज़ है। इसमें कुछ फिल्में अलग होके आती हैं, जिसमें अंजुमन एक फिल्म है, जिसमें गमन एक फिल्म है, जिसमें सबसे अहम मुझे लगती है कि गर्म हवा है। गर्म हवा जो है एक तो पार्टीशन पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत फिल्म है, और उसमें जो तहजीब है, उसमें जो ज़बान है, उसमें जो नज़रिया है वो बहुत गैर मामूली और बहुत अच्छा भी है। उसमें देखिए क्या है, बलराज सानी वो ना तो कोठे पे जाके बैठता है और ना ही अपने इश्क का रोना रोता है, वो जो है एक शू फैक्ट्री का एक मालिक है, उसके साथ जो जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं वो रियल लोगों की। इस तरह की फिल्म बहुत कम बनी है क्योंकि एक कॉन्स्ट्रक्ट बन गया था उसमें। अंजुमन जो फिल्म है उसमें, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि वो कहानी तो इस लड़की अंजुमन की है जो कि शायरी भी करती है, बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉवरिश्ड बैकग्राउंड में रहती है और चिकनकारी का काम करती है, और फिर वो किस तरह से रेवोल्यूशनाइज होती है, लेकिन उसके जो कपड़े हैं, उसकी जो ज़बान है, वो क्योंकि मुजफ्फ़र की वाकफियत इस कल्चर के साथ इतनी ज़्यादा है कि वो एक बोरोड लैंग्वेज नहीं है, और इसलिए जिस तरह की ज़बान आप सुनते हैं मुजफ्फर अंजुमन में, या जिस तरह के उसमें इश्यूज उठाकर लाते हैं वो रियल है। उस तरह की चीज़ आपको हिंदी सिनेमा में कम मिलती है। थैंक यू। एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मुस्लिम सोशल इज़ अ कॉन्स्ट्रक्ट, मतलब सच्चाई तो नहीं है, इट इज़ अ सिनेमैटिक फॉर्म, जॉनर है, ऑल जॉनर्स आर कॉन्स्ट्रक्ट्स, और 1940s में उसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पॉपुलर उस वक्त की फिल्म थी नजमा, महबूब खान की फिल्म नजमा, और ये टर्म इंडस्ट्री की टर्म है, फिल्म इंडस्ट्री की टर्म है, ये क्रिटिक्स का टर्म नहीं है। एक्चुअली एक जो बात आपने कही जो बहुत अहम है वो ये है कि फिल्म हिस्ट्री में हर जॉनर का ट्रांसफॉर्मेशन 1970s में हुआ, इंक्लूडिंग द कोर्टिजान फिल्म। मैं ये मानती हूँ कि मुस्लिम सोशल का भी 1970s में एक कंप्लीट री इन्वेजनिंग हुआ था। वहीदा जी आप हमें बताएं कि चौदहवीं का चांद और पालकी दोनों को अगर आप एक साथ देखें और सोचें उसके बारे में, तो उसमें आपके जो रोल है और जो पोर्ट्रेल ऑफ विमेन है दोनों फिल्मों में, आपका रोल एक एरिस्टोक्रेटिक लेडी का नहीं, एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास औरत का है, तो उसके बारे में, और ये जो रिलेशनशिप नवाबी ख़ानदानों के साथ इस जॉनर में है उसके बारे में आप क्या सोचती हैं, और रोमांस के बारे में, हाँ मुस्लिम सोशल किस तरह से रोमांस को फोरग्राउंड करता है उसके बारे में आप कुछ बोलिए। जब दोनों फिल्में बन रही थी, हालांकि उसका बैकग्राउंड लखनऊ का था और मैं कभी गई नहीं थी लखनऊ, मगर दिमाग में एक इमेज था लखनऊ का कि बेहद खूबसूरत उर्दू बोली जाती है, बहुत तहजीब होती है। मैंने यहाँ तक सुना था जब लोग नाराज़ होकर किसी को गाली भी देते हैं, कहते हैं आप सोन सो हैं, यू नो तो और लखनऊ और मुस्लिम सोशल जो फिल्में बनती थी उससे रोमांस बहुत अच्छा दिखाया जाता था,
कि किसी का हाथ दिख गया लड़की का तो इश्क हो गया, किसी के जैसे पाकिजा में पैर दिख गए तो इश्क हो गया, यू नो. क्योंकि अगर शक्ल देखी होती तो कोई और ही कहानी होती. सो मैं ज़्यादा लखनऊ के बारे में कह तो नहीं सकती, मगर उर्दू तहजीब और उर्दू ज़बान तो बहुत खूबसूरत है और रोमांटिक ज़रूर है, यू नो. तो इसके लिए मुझे यकीन है जब कभी लोग इश्क में होते हैं वो तड़पते हैं कि कोई शेर सुनाए, कोई शेर शायरी हो जाए, और उनको फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमें कोई शेर नहीं आता, सीखना ज़रूर चाहिए. गाने तो गा सकते हैं. हाँ, गा तो गा सकते हैं. बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती. आपका जन्म चेन्नई में हुआ था? चेन्नई में हुआ था. हाँ. वैसे आपकी फैमिली आंध्रा की है? नहीं, वो भी चेन्नई की है. लेकिन हाँ. एक कहा गया आपके बारे में कि आप आंध्रा की हैं, राजमंड्री हाँ. की हैं हाँ. और आंध्रा में लोग आपको क्लेम भी करते हैं, राजमंड्री पिल्ला बोलते हैं और बहुत तेलुगु स्पीकिंग आंध्राइट जो हैं वो आपके साथ खास लगाव रखते हैं. बिकॉज एक्चुअली क्या हुआ, मेरे फादर कमिश्नर थे तो उनकी ट्रांसफ़र होती थी हर 2.5-3 साल में, तो और उस वक्त ये सेपरेट स्टेट्स नहीं थे. उस वक्त मद्रास प्रेसिडेंसी में था सब कुछ, तो ही यूज्ड टू बी ट्रांसफर टू आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, सब जगह पर. तो जब मेरी पहली फिल्म थी जिसमें मैंने सिर्फ डांस किया वो तेलुगु में बनी थी. अब वो जब रिलीज़ हुई तो लोग प्रेस वाले तो हमेशा प्रिज्यूम कर लेते हैं चीज़ें कि ये आंध्रा की हैं. अच्छा, ओके. फिर गुरदत्त जी से मुलाकात हुई हैदराबाद में, तो उन्होंने सोचा ये हैदराबाद में रहती हैं इसीलिए उर्दू बोल पाती हैं. तो इनका सब प्रेजम्पशन होता रहता है कि गेस वर्क एग्जैक्टली वो कन्फर्म करते नहीं हैं पूछ के कि क्या है असलियत. और इस तरह से बस मैं जो ऑन एन असाइड मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि फिराक गोरखपुरी से ये पूछा गया था कि आप हिंदी में क्यों नहीं लिखते हैं, आप उर्दू में क्यों लिखते हैं. तो उन्होंने दो शेर सुनाए थे, जो हिंदी का शेर था वो मैं फॉर रीजंस ऑफ प्रूडेंस अभी नहीं सुनाऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा था क्योंकि उर्दू ज़बान में जो इजहार है वो और किसी ज़बान में हो नहीं सकता. जैसे कि और शेर उन्होंने ये पढ़ा था, खिलना कली ने कम कम सीखा, खिलना कली ने कम कम सीखा तेरी आंखों की नीम खाबी से. अरे वाह, कितना खूबसूरत है. देखिए तो इसे ये मैं ज़बान जो है कोई और ज़बान में इसका इजहार इस तरह से नहीं कर सकते. मैं आपसे वहीदा जी आपसे आपकी रीसेंट फिल्म जो एक इंडिपेंडेंट फिल्म है, फॉरेन इन अ सेंस लोकेटेड मेड बाय अनूप सिंह, सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस है जिसमें आपका बहुत अहम रोल है, उसके बारे में आप कुछ बताना. बिकॉज हमने तो अभी देखी नहीं, ये फिल्म रिलीज़ हुई नहीं है और हम काफ़ी उतावले हैं इस फिल्म को देखने के लिए और आपका रोल देखने के लिए. और इस फिल्म में जो आपका रोल है राजस्थान में सेट है, उसका कुछ मुझे जीने दो या रेशमा और शेरा, खास करके रेशमा और शेरा जो भी वहीं पर सेट है, उसमें कुछ कनेक्शंस हैं या बिल्कुल ही अलग है क्योंकि म्यूज़िक को लेके ये फिल्म बनी है? नहीं, बिल्कुल ही अलग है. इसमें मैं वो जो लड़की है गुलशिफ्ते हीरोइन उसकी दादी हूँ, दादी या नानी हूँ, और ये मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं. और ये मैंने सुना है पहले मेरे बचपन में भी कि लोग गाँव में जब कुछ बिच्छू काट जाता है, कोई भी इंसेक्ट होते हैं, कुछ दुआ पढ़ के उसको जहर उतार देते हैं. तो वो हुनर ये नानी के पास होता है, वो गा के दुआ पढ़ के जहर निकाल देती है. तो वो चाहती है कि अपनी जो नवासी है वो ये सीखे, वो तवज्जो नहीं देती, परवाह नहीं करती. तो ये हमेशा उसको कहती थी मैं चली जाऊँगी तो पछताओगी, तो सीख लो सीख लो. तो वो खेल कूद में रहती तो वो एक दिन उसको समझाती है जाओ तुम ड्यून्स पे जाओ, चांदनी में, ठंड में, गर्मी में जाओ तो यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर, तो तुमको ये करना ही पड़ेगा. तो वो एक दिन उसको छोड़ के गायब हो जाती है. मगर उसको ये नहीं इस्टेब्लिश किया कि वो मर गई या क्या हुआ, बट वो कहते जब तक मैं इसको छोड़ूँ नहीं शी विल नॉट बिकम स्ट्रॉन्ग एंड डू इट्स हर सेल्फ. इतना ही है. हम इंतज़ार कर रहे हैं फिल्म का ज़रूर. मुजफ्फर साहब आप हमें बताइए, आपकी फिल्म जूनी जो अनरिलीज्ड है कंप्लीट हुई थी और वो हमें मौका मिलेगा उसे देखने का?
زونی کے بارے میں کچھ کہیں گے اور کشمیر اور کشمیر صوفیزم کے بارے میں آپ کہیں گے کیونکہ آپ کا بہت کام ہے صوفیزم پر. اٹ واز این ایفرٹ ٹو میک اے گلوبل فلم آؤٹ آف انڈیا اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب تک ہندوستان سے فلمیں دو رخا نہیں ہوں گی, جب تک ہندوستان اور ولایت تک نہیں پہنچیں گی, ہماری اپنی زبان کو سمجھنے کے لیے اتنے لوگ نہیں ہیں, لیکن ہمارے معاشرے کو سمجھنے کے لیے پوری دنیا ہے. آپ نے فراق کی بات کی تو ان کا ایک شعر تھا, ہے خیال بزم میں دوستاں کسی اجنبی کا ہے یہ بیان, وہ جہاں نہ سمجھے میری زبان وہی قسمتوں سے ملا وطن. تو سوال یہ کہ جب تک ہماری زبان جو ہے ایک ویژول لینگویج نہیں ہو جائے گی, موسیقی سے نہیں جڑے گی, فیلنگ سے نہیں جڑے گی, ایشوز سے نہیں جڑے گی اور گلوبلی نہیں بن پائے گی, تب تک ہم اس زبان کو کچھ نہیں کر سکتے. امریکہ میں یہی تو ہوا, انہوں نے اپنی زبان کو ایشوز سے جوڑا, مشن سے جوڑا. اب جو کاؤبوائے کی بات کرتی ہیں تو کاؤبوائے جو تھا وہ بیسکلی واز ٹو جسٹیفائی جو انہوں نے ظلم کیے ہیں ریڈ انڈینز پہ, اس کو انہوں نے رومانٹیسائز کیا ہے. تو آج امریکہ کے پاس ایک ایجنڈا ہے, ایک ووکیبلری ہے اور اس کے حساب سے وہ اپنا وہ پورا کر رہے ہیں. اب دیکھیں کوئی انہوں نے یہ ہولوکاسٹ کو کتنے رنگوں میں پیدا کیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور کوئی چو نہیں کرنے والا کہ اس میں کوئی چیز غلط ہے. تو بڑی احتیاط سے, تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے ایشوز جو ہمارے کلچر کے ایشوز ہیں وی ہیو ٹو ٹیک دیم ٹو دا ورلڈ. اسی کو خیال میں رکھ کے جب انجمن وہاں گئی تھی وینکوور, تو ہماری ایک دوست تھی میری مکفیڈن, ان کا کہ آپ ایک گلوبل فلم کیوں نہیں بناتے, تو مجھے زونی کا خیال آیا اور زونی کو میں نے بڑے پیار سے اس کو سجایا. اس میں بھی وہی ہمارا جو ٹریو تھا, شہریار, خیام اور آشا بھوسلے, جو گانے اس کے بنے ہیں وہ واقعی سننے کے قابل ہیں. وہ شاید ہم ابھی تو سنائیں گے نہیں کسی کو کیونکہ وہی ایک ہمارے پاس ایک بند مٹھی ہے. اور ڈمپل نے بھی جو کام کیا تھا, تو ڈمپل میں بھی ایک خاص کرب اور کشش اور ایک عجیب سی مسٹیسزم ہے اس کی آنکھوں میں. مجھے لگتا ہے شاید جتنے بھی ٹکڑے ہمارے پاس اس کے شوٹ کیے ہوئے ہیں وہ نایاب ہیں. شی از سم تھنگ آؤٹ آف دس ورلڈ, یو نو, شی از گاٹ اے اسٹوری آن ہر فیس. تو زونی جو تھی وہ, اور اس میں تھوڑی ہماری ایمبیشن کچھ زیادہ ہو گئی, ہم نے ایک کمرشل کیریکٹر کو لے کے ہم نے اپنی ایک آرٹسٹک فلم کی شیڈیولنگ کی, وہ بھی ان ٹائمز آف انسرجنسی. اس میں اس کے پر جتنی بھی دکھ سکھ اور سب چیزیں ہوتی وہ موسم کے حساب سے ہوتی ہیں. اگر اس کے ساتھ کچھ غم کا معاملہ ہے وہ سب برف میں ہونا تھا, خزاں میں ہونا تھا, اچھی چیزیں سمر میں ہونا تھیں, بہار میں ہونا تھیں. تو وہ کچھ ہم کر پائے کچھ نہیں کر پائے. اس کے علاوہ ونود کھنہ تھے, وہ بھی ایک بہت بڑے اسٹار تھے, وہ بہت بزی تھے, وقت ہمیں زیادہ وعدہ کر کے کم وقت دیتے تھے. تو یہ ریشن طریقے سے جو حالات پیدا ہوئے پروڈکشن کے, اور ساتھ ساتھ وہ جو انسرجنسی کا ماحول بنا, تو زونی بکیم این انفنشڈ ڈریم. یو نو, آج بھی میں سوچتا ہوں, خواب دیکھتا ہوں کہ اس کو کیسے پورا کیا جائے, بیکاز اٹس فور می اٹس اے ویری امپورٹنٹ فلم. اٹ واز, اور لکھنؤ میں دیکھیے, لکھنؤ کی خاص بات یہ ہے کہ جو تہذیب ہے لکھنؤ کی, اس میں جو ایک انداز ہے وہ یہ کہ دوسرے کی تہذیب کو نیچے سے دیکھنا. اگر آپ دوسرے کی تہذیب کو ایک شوونزم کی نظر سے دیکھیں تو آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے. میں اپنے گھر کو بلندی پہ چڑھ کے کیا دیکھوں, عروج فن میری دہلیز پر اتار مجھے. تو ایک جو لکھنؤ میں ایک ہیوملٹی ملتی ہے تہذیب کی, کہ دوسرا جو ہے وہ آپ سے بڑا ہے. تو کشمیر ہمارے لیے واز لارجر دین لائف. لوگ کہہ رہے تھے آپ تو لکھنؤ کے ہیں, آپ کشمیر میں کہاں فلم بنا رہے. نہیں, میں نے کہا کہ مجھے یہاں سے عشق ہو گیا ہے, یہاں کی دستکاری سے عشق ہو گیا ہے, یہاں کے لوگوں سے عشق ہو گیا ہے, اور میں اس عشق کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوں کہ کیوں ہوا ہے. تو فائنلی مجھے آن دا سرفیس کوئی بہانہ نہیں نظر آ رہا تھا, لیکن وہاں کی جو موسیقی تھی دیٹ واز دا تھنگ. اور وہ ایک تھے موہن لال ایما, انہوں نے مجھے ایک پوری دنیا کھول دی وہاں کی موسیقی کی, اور جنہوں نے ایک پورا ایک انسامبل تیار کیا تو مجھے رقت طاری ہو گئی. تو کشمیر کی میوزک جو ہے, اینڈ دا وے دے ہیو پرزرو دا صوفی ایتھوس, اسی کی وجہ سے یہ جہان خسرو پیدا ہوا. جہان خسرو جو ہے وہ کشمیر میں اگر میں نہیں رہتا دو تین سال اور اس صوفیانہ کلام کو اندر نہیں لیتا, تو
तो मुझे नहीं अंदाज़ा होता कि हाउ टू लुक एट सूफ़ी म्यूज़िक एंड सूफ़ी पोइट्री एंड लुक एट इट फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव. तो जूनी तो एक इट्स अ ट्रेजेडी फॉर मी. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, बट अल्लाह ने चाहा कभी ना कभी कुछ ना कुछ शायद कुछ हो जाए इंशाल्लाह. शबाना जी, ग्लोबलाइजेशन का और ग्लोबल इंडियन सिनेमाज़ को ग्लोबल स्टेज पे लाने की बात हुई है, और आपने भी कई फिल्मों में काम किया है, कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है बाहर. आपको क्या लगता है कि जो यहाँ की कहानियाँ हैं और जो फिल्म मेकर्स हैं यहाँ, जैसे कि मुजफ्फर साहब हैं, जुनीक के बारे में बात कर रहे हैं, और भी हैं, मीरा नायर हैं, दीपा मेहता हैं, उनकी फिल्मों में आपने किया है. रिसेंटली यू ऑल्सो बीन इन अ प्रोजेक्ट, इन सेवरल प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगी. एंड विल यू, मैं बताना तो चाहूँगी इरा, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारा मौजू है, अगर हम उसी के बीच में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा. तो हम जो हैं उर्दू की जो बात कर रहे हैं और उर्दू कल्चर की जो बात कर रहे हैं और फिल्मों की ख़ास तौर से, मैं बताना चाहूँगी कि एक बहुत अहम फिल्म बनी थी इन कस्टडी, जो इस्माइल मर्चेंट ने बनाई थी, मुहाफिज उसका उर्दू का नाम था, जो कि मैं समझती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म थी, क्योंकि वो जो कहानी अनीता देसाई की नॉवल पर है, उसमें बग़ैर उसको फ्रंट केस किए हुए बात ये है कि ये जो उर्दू का शायर है हु हैज़ फॉलन ऑन बैड डेज, उसकी पर्सनल लाइफ भी सही नहीं है, शशि कपूर जी ने वो रोल किया था, उसके पास एक हिंदी का प्रोफेसर आता है जो कि ओमपुरी ने किया था काम, और ओमपुरी के पास कोई प्रोजेक्ट आता है कि ये इनके कलाम को किसी तरह से रिकॉर्ड करें, और फिर बहुत सारे उसमें उतार चढ़ाव आते हैं बाकी, लेकिन फाइनली उस शायर की जो पूरी शायरी है उसका मुहाफिज वो हिंदी का प्रोफेसर बनता है, जो मेरे लिए इतनी खूबसूरत बात थी, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हमने जो है कहीं अपने ज़बानों को रिलिजन से, मज़हब से जोड़ दिया, जो इसके साथ सबसे ज़्यादा बिल्कुल गलत बात हुई है, क्योंकि उर्दू ज़बान का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसके कल्चर से ताल्लुक़ है. आज तक अगर आप देखें तो गुलजार साहब जो हैं वो उर्दू लिखते हैं, वो देवनागरी नहीं लिखते हैं. इसी तरह से जो आनंद बख्शी थे, जो राजा मेहंदी अली ख़ान थे, कितने सारे लोग, सब के सब, तो ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो ये है कि हमने उसको मज़हब के साथ जोड़ा है, क्योंकि पार्टीशन के बाद हमने उसको ये कह दिया कि ये मुसलमानों की ज़बान है, जो कि नहीं है. और जब आप देखते हैं कि रेख्ता ने देखिए 4 साल के अंदर क्या कुछ नहीं किया, और आप सब लोग यहाँ हैं, तो आप लोग यहाँ हैं क्योंकि आप उर्दू को पसंद करते हैं और इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, और इस बात को हमको रियली सलाम करना चाहिए, क्योंकि ये इसके साथ इंसाफ होगा इतनी खूबसूरत ज़बान के साथ. मैं कहना चाहूँगी कि जब मैंने एंटर किया फिल्म इंडस्ट्री 54-55 में, तब इंडस्ट्री के 90% लोग उर्दू में लिखते पढ़ते थे, सिर्फ बंगाली थे जो नहीं जानते थे. यहाँ तक देवानंद उर्दू पढ़ते लिखते थे, मनोज कुमार उर्दू पढ़ते, चेतन आनंद सब सब उर्दू में था. उसके बाद धीरे 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 पता नहीं क्यों, और इतने मुशायरे हुआ करते थे शबाना, इतना मज़ा आता था अपने कैफी साहब, अली सरदार जाफरी साहब और फैज़ अहमद फैज़ साहिर साहब. उसके बाद धीरे धीरे मुशायरे बंद हो गए, और वाकई जैसे शबाना ने कहा, इस ज़बान को पता नहीं क्यों एक रिलीजन से जोड़ दिया है कि अभी नहीं सीखना. अगर पहले जैसे कि ऑप्शन होता है लैंग्वेजेस का स्कूल में, उसको स्कूल से शुरू करना चाहिए. चूज़ योर ऑप्शन, ये नहीं फोर्स नहीं कि आपको सीखना चाहिए. जिनको शौक़ है आप उर्दू सीखिए, इतनी खूबसूरत ज़बान. और एक्चुअली If I'm right, मुजफ्फर साहब यू विल नो, उर्दू की पैदाइश तो हिंदुस्तान में हुई है, और कहीं नहीं बोली जाती है. दक्कन में, दक्कन में, दक्कन में, दक्कन. अच्छा देखिए, ये जो है एक गलतफहमी ज़रूर है लोगों में कि हिंदुस्तानी
जब तक आपकी समझ में आती, जावेद अख्तर हमेशा इसका मिसाल देते हैं कि जब तक ये ज़बान आपकी समझ में आती है आप समझते हैं कि ये हिंदुस्तानी है, जब आपकी समझ में आना बंद हो जाए तो आप समझते हैं कि उर्दू है। ये इसके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने शबाना की बात फिर बात तक याद आई कि जब उमराव जान बनी थी तो आजकल कोई भी फिल्म जो है कॉन्ट्रोवर्सी से खाली नहीं होती है, तो मेरे पर दावा किया एक साहब ने, उन्होंने किसी उमराव जान के किसी बहुत ही खस्ता हाल रिश्तेदार को पकड़ के कहने तुम्हें हम लखपति बना देंगे, एक वकील साहब ने, वो वकील बहुत फेमस है लखनऊ में, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनका कि मैं मुकदमा बनाता हूँ कि इससे मिर्ज़ा हादी रुस्वा की रूह को तकलीफ़ होगी इस फिल्म से। तो वो बहुत ही अजीब सा एक मुद्दा था कि मिर्ज़ा हादी रुस्वा की रूह को तकलीफ़ होगी, तो अब बजाने का तुम परेशान मत हो, इसको मैं देख लूँगा। हमारे वालिद में भी शौक में वकालत पड़ी थी एंड ही डिड अ लॉट ऑफ स्टडी एंड व्हाट ही फाउंड आउट कि मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने अपने फिल्म अपनी तमाम किताबों के राइट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को दे दिए थे। तो मैंने सीधे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गया, मैंने उनसे सारे राइट्स लिए और फिर वो बात ख़त्म हुई, कहने आपके पास जब कोई हक ही नहीं है तो फिर दो कुछ एक दो तीन साल में वो 50 साल भी पूरे हो गए उनके। बट कैन यू इमेजिन ही वॉज अ वेरी सेक्युलर मैन, फॉर हिम गिविंग द राइट्स टू अ इंस्टीट्यूशन विच वुड वैल्यू हिज बुक्स वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन वरिंग अबाउट कि ये मुसलमान इदारा है या हिंदू इदारा है। अदब तो अदब है। थैंक यू। शबाना जी, आप ज़िक्र कर रही थी उर्दू उर्दू को रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए, और बिल्कुल सही बात है। इस पर भी आप कुछ कहिए कि जो उर्दू हमारे गाने आज भी जो हैं, बॉम्बे फिल्म के जो गाने हैं, बॉलीवुड के गाने भी हैं, उसमें भी उर्दू का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, पोजिशन है, और बल्कि रोमांस का जो आपको लगता है कि आजकल के गानों में कुछ अल्फाज होते हैं, कुछ कुछ में होते कुछ कुछ में होते जावेद साहब के एक्सेप्शन एक्सेप्शन जावेद साहब के कई गाने। मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली किसी फिल्म मेकर फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर के साथ ये हुआ कि एक नया लिरिसिस्ट पहुंचा और उसने कहा कि मैंने 3 फिल्मों में गाने लिखे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ज़रा सुनाओ, तो उन्होंने कहा कुछ इस तरह का कि बुबला ब्लू में उंगलू ये इस तरह की 3, तो उन्होंने कहा बेटा तुमने 3 फिल्में लिख दी और 1 लफ्ज़ भी उसमें नहीं चुना, तो यही आजकल का हाल हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं। अच्छा ओके, ही डिसएग्रीज विद मी। मैं देखिए जब अकेले गाड़ी चलाता हूँ तो मैं रेडियो मतलब हॉप करता हूँ, FM ये 95 ये वो तमाम सब, और वहाँ पर मैं जो पंजाबी रॉक सॉन्ग्स होते हैं देन दे यूज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल उर्दू वर्ड्स, दे जस्ट माइंड ब्लोइंग यू नो। तो मुझे लगा कि इसमें तो कुछ उम्मीद नजर आ रही है, बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं। चलिए सुनेंगे। आप यू मस्ट लिसन टू दिस चैनल, आई विल, दे आर माइंड ब्लोइंग एंड दे यूज उर्दू वेरी ब्यूटीफुली। मुझे तो जब मैं आजकल के गाने सुनती हूँ और उसमें सुनती हूँ मैं तंदूरी मुर्ग हूँ मुझे कटका लो एल्कोहल के साथ, तो मुझे हंसी की बात नहीं लगती, मुझे बहुत गुस्सा आता है, वाकई बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस तरह का कमोडिफिकेशन आप जबान के जरिए करें बहुत ही नाम। एक बार लता जी घर पे आई मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने कहा लता जी आजकल आप गाती नहीं हैं, बिल्कुल ही छोड़ दिया। वहीदा जी मैं कैसे गाऊं कि फेविकोल से चिपका लो खिल लो ये कोई क्योंकि लिरिक्स होते हैं कि मैं कैसे गा सकती हूँ, मैं तो चिपकने वाली नहीं फेविकोल से। बट जावेद साहब की के गाने और गुलजार साहब के गाने और वैसे भी कई यंग लिरिसिस अभी भी हैं। मैं एक रीसेंट फिल्म की जिक्र करूंगी जिसमें विच इज़ तनु वेड्स मनु, उसमें एक बहुत बढ़िया कवाली है एक्चुअली रंगरेज मेरे, और रंगरेज का अगर हम देखें और वो लड़का एक बिहार का बिहार से है, उसकी जो ज़बान है उसमें उर्दू भी है और भोजपुरी भी है और मगही भी है, एंड ये जो लोकल लैंग्वेज है उसका उर्दू के साथ बहुत बढ़िया एंड सूफी
تھنکنگ کا, صوفی تھاٹ کا, صوفی فلاسفی کو لے کے وہ قوالی بنی ہے, بہت بہت سندر. سو دیر آر آپشنز, بٹ وی شوڈ وی واٹ یو آر سیئنگ از رائٹ. زیادہ تر آج کل لوگوں کو, مظفر صاحب آپ بتائیے کہ جو آج کے, آف کورس پنجابی راک از دیر ان, بٹ آج کے گانوں میں, بیکاز صوفی راک is a new kind of phenomenon, uske bare mein aap kuch kehna, it's very popular. Dekhiye har shakhs jo hai uske andar ek ishq kamata hai aur har shakhs ka dil jo hai wo bunyadi taur pe pakiza hai, uske andar zamane bhar ki cheeze ghusti hain lekin qaim aur zinda wahi rehti hain jinme ek pakizgi hoti hai. To tasawuf jo sufism jise kehte hain usme jo ek masti hai, ایک سمرپن ہے, اور اس کو جب آپ ردم سے جوڑیں تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, تو ہر شخص اسی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. تو ہم نے جب جہان خسرو کرنا شروع کیا اس وقت تو لوگوں کو لگا کہ پتہ نہیں صرف یہ قوالی تک محدود ہے, لیکن جب وہاں سے انہوں نے دیکھا ایران سے, افغانستان سے, ترکستان سے, ازبیکستان سے, امریکہ سے, کینیڈا سے, موراکو سے, سب کو ایک ہی نشہ ہے, اسی ردم سے قدرت سے جڑنا, محبت کی بات کرنا, تو یہ تو ایک پھیلنے والی چیز ہے. یہ تو ریختہ کے ہاتھ میں ہوتی تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. دے نو ہاؤ ٹو مارکیٹ اے گڈ آئیڈیا, بٹ میں بتا رہا ہوں تصوف جو ہے وہ تو ایک دنیا کو بدل سکتا ہے. اور اس سارا میں ابھی جہان خسرو میں بھی میں سوچ رہا ہوں کہ آئی ول اوپن اے کمپٹیشن اینڈ آئی ول آسک پیپل ٹو رائٹ صوفی لیرکس, کریٹ کمپوزیشن, بیکاز ہر آدمی جو ہے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے, کچھ سننا چاہتا ہے, محسوس کرنا چاہتا ہے, اس کو پلیٹفارم نہیں ملتا ہے. اس کو اگر عزت اور احترام سے آپ پلیٹفارم دیجیے تو یہ چیز کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. ایکچولی پوئٹری کا بہت بڑا رول ہے لینگویج کو زندگی دینا اور الائیو رکھنا. تو اس میں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ لیرکس, آج کل کے جو لیرکس ایسے آ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کسی کو بھی, آپ کو یا آپ کو, کہ آف کورس جشن ریختہ کا پاپولیرٹی دیکھ کے لگتا ہے کہ اردو از اسٹل ویری ویری اسٹرانگ اینڈ ویری الائیو, تو فلموں میں اور اینڈ لیرکس کو لے کے کیا یہ دور چلتا رہے گا, کیا لگتا ہے آپ کو شبانہ جی؟ دیکھیے آج کل جو زبان استعمال ہو رہی ہے, جو ہندی فلموں میں بھی چیز ہو رہی ہے, وہ ہنگلش اس کا نام ہے, اس میں بہت ساری چیزیں الفاظ انگریزی کے بھی ہوتے ہیں, اور یہ ایک طرح سے بالکل نیچرل چیز ہے, کیونکہ کلچر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ تالے چابی میں رکھ سکتے ہیں اور کہیں کہ باہر کی کوئی ہوا اندر نہیں آئے. تو آج کل کے جو نوجوان لوگ ہیں وہ جس طبقے سے آتے ہیں, جس طرح کی ان کی ہوئی ہے تعلیم ویسٹرن ورلڈ میں, کنٹمپرری لوگ ہیں فرام اربن سوسائٹیز, ظاہر ہے کہ وہ اس زبان کو بولیں گے جو وہ ان کے کیریکٹرز ہوں گے. تو زبردستی آپ لازمی نہیں کر سکتے, یہ تب ہی ہو پائے گا کہ جب آپ ایسے سبجیکٹس چنیں جس پہ, جیسے کہ مظفر نے کہا, بالکل آرگینکلی یہ زبان استعمال ہو. لیکن جو وحیدہ جی کہہ رہی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلے ہمارے پاس یہ آپشنز ہوتے تھے کہ ہم کون سی زبانیں سیکھ سکیں, اور اس میں جو ہے اردو بھی ایک زبان ہو سکتی ہے, باقی جتنی بھی زبانیں اس کے ساتھ. اب جو ہے اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ صرف اردو جانتے ہیں تو آپ کو نوکری نہیں مل سکتی, اور یہ بہت ضروری کہ اس کو, اس مسئلے کو ہم حل کریں تاکہ اردو زبان نہ صرف اپنے آپ میں خوبصورت رہے لیکن وہ آپ کو کسی نوکری ملنے میں وہ امپیڈیمنٹ کی طرح آپ کے سامنے نہیں آئے. تو اس کے لیے تو اسٹیٹ کو کچھ کرنا پڑے گا. اس کے بارے میں آپ کچھ بولنا چاہیں گی؟ جو یہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ آپشن دینا چاہیے, کیونکہ جو بہت تعجب ہوتا ہے جو ہندوستانی اسکولز میں آپشن جو لوکل لینگویج ہے وہ ضرور سیکھنا چاہیے, پھر انگریزی, پھر فرینچ یا اٹالین سیکھ رہے ہیں آپ
फ्रेंच कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, आजकल तो फ्रेंच की वो बात नहीं है, उनको ऑप्शन दीजिए कि उर्दू भी है, आप कौन सा चूज़ करेंगे, क्या लेना चाहेंगे। उर्दू तो चलो सारे हिंदुस्तान में समझ में आएगी, इतनी तो इतनी गहरी उर्दू नहीं हो, मगर जब आप फ्रेंच सीखेंगे आप कहाँ, जब तक आप फ्रांस नहीं जाओ या कुछ ख़ास ऐसी जॉब हो जहाँ आपको फ्रेंच का इस्तेमाल करना पड़े, वरना इट्स अ यूज़लेस। मुजफ्फर साहब, परफॉर्मेटिव कल्चर्स एंड उर्दू के बारे में कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा आखिर में, इसके बाद मुझे कुछ कहना नहीं, कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर ये एक दिस बिकम्स अ रीजेनरेटिव क्रिएटिव फोर्स तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। वी आर जस्ट कंज्यूमर्स, डोंट बी कंज्यूमर्स ऑफ उर्दू, बिकम क्रिएटर्स इन उर्दू। एवरीबडी इज़ गॉट अ स्टोरी, एवरीबडी इज़ गॉट अ मोमेंट ऑफ लव इन देम। अगर आप लोग लिखना शुरू कर दें तो देखिए कहाँ से कहाँ हम जबान पहुँचेगी, हम पहुँचेंगे, हमारा माशरा पहुँचेगा और हमारा फिल्म का माध्यम भी पहुँचेगा। आजकल फिल्म के माध्यम में सिर्फ वही है कि जो बिकता है वो, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जब अंदर से उबाल आएगा और लोग लिखना शुरू करेंगे, जो कलम पकड़ेंगे अपना, तो इनकलाब आ जाएगा। कलम गोयत के मंशा है जहां नस्त। थैंक यू, और इसी बात से हम इस सेशन को क्लोज करते हैं, अनलेस एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग एल्स। और जैसे कि मुजफ्फर साहब ने कहा, आप लोगों में जो शायर हैं, जो लेखक हैं, आप लोग अपनी कृतियाँ, अपनी कॉम्पोजिशंस को ले आए, और इसके साथ ऑल ऑफ अस कैन लुक एट उर्दू एंड द प्लेस ऑफ उर्दू एज जस्ट बिगिनिंग टू यू नो रेवोल्यूशनाइज लैंग्वेजेस इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच। और एक बार मैं फिर संजीव सराफ साहब और रेख्ता को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने जो मुहिम चलाई है बहुत ही बहुत अच्छा।